दोस्तों 81 कॉम्बिनेशन की सीरीज चल रही है। आज बात करता हूं आपसे चार और सात नंबर की, चार मूलांक और सात भाग्यांक की। पहले राहु की बात करता हूं क्योंकि चार नंबर राहु का है, उनकी डेट्स बताता हूं आपको। पहले 4, 13, 22 और 31, इस डेट को पैदा होने वाले लोग जिंका मूलांक चार कहलाता है। एक सैंपल डेट देता हूं, 13/6/1986 टोटल कर लो तो सात बनता है, और वैसे डेट ऑफ बर्थ का टोटल, डेट का टोटल करो तो चार बनता है, यानी 4-7 का कॉम्बिनेशन। राहु के बारे में बताता हूँ, स्पिरिचुअल लोग होते हैं, थोड़ा अनकन्वेंशनल जरूर होते हैं। राहु कन्वेंशन से हटके होता है, होता तो भगवान को मानने वाला, थोड़ा सा लीक से हटके। हार्ड वर्कर होते हैं, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, राहु एक हार्ड वर्किंग का नंबर है। हार्ड वर्क करके एक लॉट्स ऑफ कैश जनरेट करने में सक्षम होते हैं लोग। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ब्लंट होते हैं, मुंह पे बोलने वाले, मेटलिस्टिक लोग होते हैं, अच्छे स्पीकर होते हैं, स्टेज परफॉर्मर होते हैं, लोगों को, लोग उनकी बातों में बहुत जल्दी स्टेज पे बहुत जल्दी प्रभावित करते हैं। मैक्सिमम जो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है वो चार नंबर से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। दोस्तों अब बात करता हूं 4-7 के कॉम्बिनेशन की। चार नंबर राहु का नंबर है, मतलब स्पीकर, हार्ड वर्कर, मेटेरियलिस्टिक और ऑर्गेनाइजेशन, म्यूजिक लवर। अब बात करता हूं 7 नंबर की, तो 7 नंबर क्या है, अकल्ट का, नॉलेज का नंबर है। ये भी अकल्ट का नंबर है, रिसर्च का नंबर है। प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, थोड़े सेपरेटिव होते हैं, थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं, मेडिटेशन वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम कमाते हैं। जो धर्म गुरु है मैक्सिमम वो 7 नंबर से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। अब बात करता हूं इनकी क्वालिटीज की, 4 और 7 का कॉम्बिनेशन आपके लिए क्या लेके आया। दोस्तों स्ट्रेंज ड्रीमर होते हैं, बहुत अजीब अजीब से इनके सपने होते हैं, लेकिन अचीवर जरूर होते हैं। 4 नंबर अचीवर जरूर होता है, और रिसर्च का नंबर है और प्लानिंग का नंबर है 7 नंबर, कहीं ना कहीं 4 की मदद करता है आगे बढ़ने में। ग्रेट विजडम, बहुत नॉलेजेबल इंसान होते हैं, 7 नंबर रिसर्च का भी है और पढ़ाई का भी है, तो कहीं ना कहीं से पढ़ाई से आपका नाता यहाँ जुड़ने वाला है। पावरफुल लोग होते हैं, ये भगवान को मानने वाले होते हैं, क्योंकि 7 नंबर तो टोटल भगवान को डाइवोटेड है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही भगवान को मानने वाला होता है, थोड़ा स्पिरिचुअल कुछ हद तक ज्यादा ही होता है। फिलोसफर टाइप के लोग होते हैं, फिलोसफिकल बातें करेंगे, कंफर्टेबल लाइफ जी लेंगे ये लोग। कैंसर प्रोन होते हैं, तो इनको कैंसर की बीमारी का हमेशा टेस्ट कराते रहना चाहिए। इनके 4 नंबर और 7 नंबर जबरदस्त कैंसर का कॉम्बिनेशन है, पर्टिकुलरली जब जो आपके ईयर आते हैं, 2 नंबर पर्सनल ईयर आ गया, समथिंग 9 नंबर पर्सनल ईयर आ गया, तो कहीं ना कहीं बीमारी का शेप ले सकता है। गुड कंफर्टेबल लाइफ होती है इनकी, लैंड, फैक्ट्रीज, पिक्चर गैलरीज, ये सब इनकी बहुत बड़ी बड़ी बन जाती है। नीट इन अपीरेंस, कुछ कॉम्बिनेशन बता देता हूँ अनिल अंबानी जी का, यही सेम कॉम्बिनेशन है 4 और 7 का। लेकिन इनको ध्यान क्या रखना है, अनिल अंबानी की जीवन से हमें एक सीख मिलती है, 4 और 7 के कॉम्बिनेशन में, चूंकि ये कॉम्बिनेशन इस तरह का है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ दिया हुआ एक ही बारी में ले जा सकते हैं, तो भविष्य को लेकर इनको हमेशा सतर्क रहना है। गुड ह्यूमन होते हैं, इमेजिनेटिव एंड इंट्यूटिव पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है, 7 नंबर जबरदस्त इंट्यूटिव पावर। गुड नेम एंड फेम इजिली कमा लेंगे, आइडियाज इनके अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर होते हैं, बहुत लिबरल होते हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, रिस्क टेकर भी होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, डीप थिंकर होते हैं, जो सब्जेक्ट पे बात करेंगे सोचेंगे बहुत ही क्लियर कट अपने व्यूज रखते हैं। इनकी जो हैंडलिंग होती है डे टू डे अफेयर की बहुत अच्छी रहती है। दोस्तों अब इनके प्रोफेशन की बात करता हूँ कि किस प्रोफेशन में ये लोग बहुत अच्छे सक्सेसफुल होते हैं। आर्ट, राइटिंग, लेक्चर, कमीशन, अकल्ट, ट्रांसपोर्ट और लग्जरी गुड्स, ये इनकी जीवन के प्रोफेशन में अभिन्न अंग बन सकते हैं। सूटेबल नेम 15, 24, 33, 42, 60, 69, 10, 19, 57, 46, 64, 73, ये सब नंबर इनकी जीवन में इनको सूट करते हैं। लकी नंबर्स की बात करूं तो 1 और 6 इनके लिए लकी नंबर रहने वाले हैं। लकी डेट 1, 6, 10, 15, 19, 24 और 28। अब इनके लकी कलर्स की बात करता हूं, येलो, पेल ब्लू और पेल ग्रीन, ये सब कलर्स इनके लिए लकी साबित होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।